दिखाई दे रहे हैं, चाहे बात दुकानदारों की ही क्यों ना हो, बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता देते हैं कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले में खास तौर पर प्रशासन ने निर्देश दिए हैं और सलाह दी है दुकानदारों को कि वो अपना नाम और पहचान जरूर बताएं, नेम प्लेट लगाएं। लेकिन इस पर अब राजनीतिक दल सपा और AIMIM की बात करें तो बौखलाए हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। जो विरोधी मोदी का रास्ता रोकने में नाकाम रहे, वो बात बात पर अब यूपी के सीएम योगी को टारगेट कर रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण है कावड़ यात्रा रूट पर विपक्ष की ओछी राजनीति। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कावड़ यात्रा रूट में आने वाले दुकानदारों को अपना नाम लिखने को क्या कहा, विपक्ष लोटा पानी लेकर फैसले को सांप्रदायिक रंग देने में जुट गया। खासकर खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सपा जैसे दलों की तो जैसे चांदी हो गई हो, वो लगातार इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ कह रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरते हुए लिखा है, जिसका नाम गुड्डू मुन्ना छोटू या फट्टे है उसके नाम से क्या पता चलेगा। हैरानी ये है कि सपा अध्यक्ष जिस मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, यूपी सरकार की तरफ से ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। सच्चाई तो ये है कि कावड़ यात्रा रूट में किसी तरह का कोई विवाद ना हो और श्रद्धालुओं के रास्ते में पड़ने वाले किसी दुकानदार से कोई विवाद ना हो, इससे बचने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि मुजफ्फरनगर से गुजरने वाली कावड़ यात्रा रूट में पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और ठेलों पर विक्रेता का नाम लिखा होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया था जिसमें ये कहा गया हो कि दुकानदार अपना धर्म बताएं। फिर सवाल है, इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रंग कौन देना चाह रहा है। मुजफ्फरनगर के SSP ने दुकानदारों को क्या कहा था, आप भी सुन लीजिए, आपको खुद ही सारा माजरा समझ आ जाएगा। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। सुना आपने, मुजफ्फरनगर पुलिस के SSP अभिषेक सिंह ने ये कहीं नहीं कहा कि दुकानदारों को अपना धर्म बताना होगा। ऐसे में सवाल है कि अगर प्रशासन ने खाने पीने की दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम लिखने को कहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन दिक्कत तो है, और दिक्कत उन्हें है जो खुद को मुस्लिम पक्ष का रहनुमा बताते हैं और जो इनके नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाते हैं। आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। मेरी डिमांड है प्रशासन से और अपने शासन से कि ऐसे फरमानों को फौरन निरस्त किया जाए। हिंदू भाई अगर आम जो है किसी मुसलमान भाई के ठेले से ले रहे हैं तो कोई विवाद हो जाएगा। फलों को भी हम बांट लेंगे, अब हिंदू मुसलमान कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म की, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। कावड़ यात्रा रूट में साफ सफाई और खान पान में पवित्रता बनाए रखने के मसले पर श्रद्धालु सरकार को भी घेरने से नहीं चूकती है। ऐसा कई बार हुआ है जब कावड़ यात्रा रूट में इस मुद्दे पर विवाद हुआ है, जो बाद में प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी है। यही वजह है कि यूपी सरकार और कावड़ यात्रा रूट में आने वाले जिला का प्रशासनिक अमला पहले से ही तमाम विवादों से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सियासी नेताओं का राजनीतिक चरित्र ऐसा है कि वो बेवजह इस मसले को तूल दे रहे हैं, जबकि इस सबके बीच कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें इस आदेश से कोई परेशानी नहीं है। सरकारी आदेश है, आदेश का पालन कर रहे हैं आप लोग? जी, सरकारी आदेश है, कप्तान साहब के आदेश है। जी,
जो आज्ञा है उनका आदेश का आज्ञा का पालन किया जाएगा। नहीं नहीं ये तो हर साल आते हैं मेहमान लोग, तो हर साल गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, तो हम इसलिए पहले हमें किया हुआ है। तो आदेश मानने प्रशासन? हाँ क्यों नहीं मानेंगे, पूरी तरह से कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे कांवड़ यात्रा जो आदेश दिया गया पूरा मानेंगे? पूरा मानना है, पूरा मानना जी है। सर कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रशासन के आदेश से। हम जब भी कोई भोला आएगा हम शुद्ध खाना खिलाएंगे बिल्कुल। हालांकि इस मुद्दे पर बढ़ रहे सवाल के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक और निर्देश जारी करते हुए नाम लिखने का फैसला होटल ढाबों के मालिक और दुकानदारों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया है। लेकिन कई नेता ऐसे भी हैं जो विपक्ष की इस बेवजह राजनीति पर जबरदस्त चिढ़ गए हैं और उन्होंने विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई है। मुझे लगता है कि इस इशू को ओवैसी और अखिलेश यादव जैसे नेता बहुत बड़ा कर रहे हैं। ये मामला कॉरपोरेशन से लेके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तक का एक शहर का है और अपने आइडेंटिफिकेशन को बताना ज़रूरी है। आप अपने आइडेंटिटी को छुपा के अगर कुछ करते हैं तो मुझे लगता है ये वैसे ही अपराध के श्रेणी में आता है। देखिए अखिलेश यादव जी हो, समाजवादी पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये सब कांवड़ यात्रा से चिढ़ते हैं, कांवड़ यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं। कहीं भी जाते हैं हम अपनी आईडी दिखाते हैं ना, आईडी दिखाने में नाम लिखने में प्रॉब्लम क्या है? हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देना आज की सियासत का मूल चरित्र बन चुका है। कांवड़ यात्रियों की पवित्रता का ध्यान रखने वाला ये फैसला भी फिलवक्त राजनीति के उन्हीं दाव पेचों में उलझा नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच राहत की बात ये है कि यूपी के सीएम लगातार कांवड़ियों की सहूलियत और उनकी यात्रा में पवित्रता बनाए रखने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो इस बात की गारंटी है कि विरोधी चाहे जितना भी जोर लगा ले 24 की कांवड़ यात्रा बेजोड़ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहचान तो बतानी होगी और शायद यही वजह है कि अब इस मुद्दे को लेकर के जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर कर रही हैं। उधर बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मुद्दे को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर किया और ये कहा ऐसा असंवैधानिक है और ये आर्थिक अपराध है, चुनाव के लिए चुनावी लाभ के लिए ये लिया गया फैसला है, ये मायावती कह रही है। साथ ही सीधे सीधे मायावती ने इसे असंवैधानिक फैसला करार दिया है और ये कहा है दरअसल कि आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास है। तो देखिए किस तरीके से कल अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक अपराध की संख्या दी थी, तो अब मायावती ये कह रही कि दरअसल चुनावी लाभ लेने के लिए लिया गया फैसला है, दरअसल ये फैसला असंवैधानिक है और आर्थिक बायकॉट करने का यहां पर प्रयास है। तो देखिए अब एक एक करके जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इधर बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यहां पर जिस तरीके से अपनी बात रखी और ये कहा कि दरअसल ये फैसला असंवैधानिक है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया, हालांकि देखना ये होगा कि इस फैसले के बाद और कितना सियासी भूचाल आता है। और चलिए अब बात करते हैं राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच चल रही वो तकरार जिसमें अब राजा भैया की पत्नी ने ठान लिया है कि वो राजनीति में उतरेंगे। उनका ये कहना है कि जो भी मामले राजा भैया के खिलाफ दर्ज हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लापरवाही बढ़ती जा रही है और ये कहा जा रहा है भानवी की ओर से कि अब वो एक्शन मोड में आने वाली है। एक रिपोर्ट देखिए। क्या राजनीति में उतरेंगी राजा भैया की पत्नी? न्याय की जंग में भानवी सिंह का बड़ा ऐलान,